हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताएंगे, जैसे कि हाइट है हमारा 3 फुट और चौड़ाई है हमारा 48 इंच। आज हम आप लोग को यही बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एल्युमिनियम सेंटर पॉइंट। आज हम आप लोग को बताएंगे, जैसे कि 36 इंची हाइट है और चौड़ाई है हमारा 48 इंच, इसमें कौन कौन सा सेक्शन कितना इंच का कटेगा, आज हम सिर्फ वही बताएंगे, और गिलास का कितना मेजरमेंट होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम अभी आप लोग को एक तो फ्रेम बना देते हैं। जैसे कि हम फ्रेम बना दिए हैं, इसका साइज, जैसे इसका साइज है हमारा 36 इंची बाई 48 इंची, जैसे हाइट है हमारा 36 इंची और चौड़ाई है हमारा 48 इंची। यही हम आप लोगों को बताएंगे, जैसे कि कौन सा सेक्शन कितना इंची का काटा जाता है। जैसे कि हम आप लोगों को बता रहे हैं, देखिए पहले ये फुट में हो गया 3 फुट बाई 4 फुट, ये फीट में हो गया है, और इंच में होगा 36 इंची बाई 48 इंच। हमारा फ्रेम यही साइज का है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि कोई साइज आप लोग देंगे, हम उसका वीडियो बनाकर हम यूट्यूब पर डाल देंगे। जैसे कि हम ये बना रहे हैं कि जैसे कि ये 36 इंची है और 48 इंची। फ्रेम बनाने में तो आप लोग को हम पहले बता दिए हैं, जैसे कि फ्रेम बनाने के लिए ये हाइट हो गया है, तो हाइट में तो हमारा कुछ माइनस नहीं करना है, तो दोनों साइड का हाइट हो गया, जैसे कि हाइट में हमारा 36 इंच, इसमें कुछ माइनस नहीं करना पड़ता है, दोनों साइड का 36 इंची के काट दिए, और जो चौड़ाई है 48 इंची का, तो इसमें 6 सूता माइनस किया जाता है, तो यहाँ पर जो ग्रुप काटा जाता है वो 1 इंची 2 सूता का होता है, तो इसलिए इसको हम 6 सूता, सिर्फ 6 सूता माइनस करते हैं, तो 48 इंची में से 6 सूता माइनस होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 47 इंची 2 सूता। तो 47 इंची 2 सूता के काटने से, 47 इंची 2 सूता के काटने से हमारा 3 सूता, 3 सूता 6 सूता हो गया, तब हो जाएगा 48 इंची। तो यहाँ से यहाँ तक 48 इंची हो जाएगा। चलिए ये फ्रेम बनाना तो हम बता दिए, उसके बाद हम बता रहे हैं जैसे कि इसमें पल्ला का साइज कितना इंची माइनस किया जाता है। तो जैसे ये 36 इंची हो गया है, तो इसमें माइनस किया जाता है 1 इंची 5 सूता, तो 1 इंची 5 सूता माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 34 इंची 3 सूता। ये जैसे कि ए सेक्शन हो गया, ये दोनों साइड ए सेक्शन रहता है और ये दोनों बीच में इंटरलॉक रहता है, लेकिन ये चारों जो सेक्शन होगा वो समान में होगा। जैसे कि 34 इंची 4 3 सूता है, तो 34 इंची 3 सूता के 4 पीस होगा, जैसे कि ए सेक्शन, ए सेक्शन बराबर हमारा कितना 34 इंची 3 सूता का 2 पीस, इंटरलॉक भी 34 इंची 3 सूता का 2 पीस। ये तो हमारा ये पल्ला का माल कटिंग हो गया, तो इसमें अब बच गया है जैसे कि एच हो गया है, तो इसमें एच बच गया है, इसमें अब एच के लिए क्या करना पड़ेगा। वीडियो को आप लोग स्क्रिप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग को समझ नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग को दोनों मेथड मिलेगा देखने के लिए, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। ये तो हमारा पल्ला का माल कटिंग हो गया, अब बच गया एच सेक्शन काटना है, तो एच सेक्शन जैसे 48 इंची है, चौड़ाई 48 इंची है, तो इसमें माइनस किया जाता है 6 इंची 4 सूता, 6 इंची 4 सूता ऐसे भी लिखा जाता है,
नहीं होने से फिर 6 इंची 4 सूता, ऐसे भी हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख दिए हैं, इसको माइनस करने से 41 इंची 4 सूता होगा। तो ये तो हमारा एच का साइज हो गया। आप लोग चाहेंगे तो इसको 42 में भी कर सकते हैं, लेकिन 42 करने से थोड़ा बीच वाला पल्ला होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग 41 इंची 4 सूता काटिएगा। इसको हम अब डिवाइड करेंगे कितना, 2 से। इसको डिवाइड करने से हमारा आ गया 20 इंची 6 सूता। एच का साइज हो गया, जैसे ए हो गया हमारा 20 इंची 6 सूता का, 20 इंची 6 सूता का एच सेक्शन। बीस इंची छः सूता का हमारा 4 पीस एच सेक्शन लगेगा। ये हमारा गोटे जितना पूरा सेक्शन है उसको कटिंग कर दिए हैं, जैसे कौन सा कितना इंची का लगेगा उस चीज़ हम एक्यूरेट काट के आप लोग को बता दिए हैं। आप लोग ये साइज का काटेंगे तो उस कुछ गलती नहीं होगा। हम खुद ये सब काम करते हैं, आप लोग को वीडियो में मिला होगा। तो हम सिर्फ एल्युमिनियम के ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए हम आप लोग को एल्युमिनियम का पूरा एक्यूरेट हिसाब बता देंगे। चलिए, ये तो हमारा एच सेक्शन कट गया। अब उसके बाद हम आप लोग हमारा पूरा सेक्शन कटिंग कर बता दिए, उसके बाद हम आप लोगों को बता रहे हैं ग्लास का साइज कैसे निकालते हैं। जैसा कि हमारा पल्ला का साइज आया था, चौंतीस इंची 3 सूता बाई 20 इंची 6 सूता। ये तो हमारा एक पल्ला का साइज है। तो जैसे कि अभी हम इसमें ग्लास का साइज बताएंगे। ग्लास का साइज हम इसके पहले आप लोग को भी बता दिए हैं, जैसे कि 36 इंची है, तो 36 इंची में 4 इंची 4 सूता माइनस किया जाता है। और यहाँ जो 34 इंची 3 सूता है, पल्ला के साइज से मिलाएंगे तो क्या होगा कि उसमें 2 इंची 7 सूता माइनस किया जाता है। तो यहाँ से मान के चलिए 36 इंची माइनस 4 इंची 4 सूता है, तो ये हो गया हमारा 31 इंची 4 सूता है, 31 इंची 4 सूता। अगर आप लोग इसमें से माइनस करते हैं 34 इंची 3 सूता है, तो इसमें 2 इंची 7 सूता माइनस किया जाता है, तो ये भी हो जाएगा 31 इंची 4 सूता। तो हमारा अब एच सेक्शन है 20 इंची 6 सूता, इसमें क्या होता है, ये तो हाइट वाला निकल गया और चौड़ाई वाला बता रहे हैं। तो जैसे 20 इंची 6 सूता है, तो इसमें प्लस किया जाता है 5 सूता, तो ये हो जाएगा हमारा 21 इंची 3 सूता। तो हमारा एक पल्ला का साइज हो गया 21 इंची 3 सूता बाई 31 इंची 4 सूता, 31 इंची 4 सूता बाई 21 इंची 3 सूता का हमारा 2 पीस ग्लास लगेगा। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, जैसे ग्लास का साइज हो गया 31 इंची 4 सूता बाई 21 इंची 3 सूता, हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। बताना, इसमें आप लोग को अब कुछ दिक्कत नहीं होगा सेक्शन काटने से लेकर ग्लास मंगाने तक। हाय फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा आप लोग, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास बहुत जल्द पहुंच जाए। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग को दोनों मेथड मिलेगा देखने के लिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।